नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क हिंदी के एक नए वीडियो में। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अपनी मानेसर फैसिलिटी में दोबारा उत्पादन शुरू कर दिया है। यहां पर कंपनी ने करीब 50 दिनों के बाद उत्पादन शुरू किया है। मारुति सुजुकी फिलहाल सिर्फ एक शिफ्ट में ही उत्पादन करेगी। आपको बता दें कि कंपनी के पास मानेसर प्लांट के अलावा गुड़गांव और गुजरात में भी एक एक प्लांट है। फिलहाल कंपनी के ये दोनों प्लांट कुछ और समय के लिए बंद रहेंगे। आप मारुति सुजुकी की उत्पादन क्षमता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जब कंपनी के मानेसर और गुड़गांव प्लांट को सामान्य तौर पर चलाया जाता है तो यहां पर रोजाना 5000 वाहन बनाए जाते हैं। लेकिन बता दें कि मानेसर प्लांट में गुड़गांव और गुजरात प्लांट के मुकाबले ज्यादा वाहन उत्पादन की क्षमता है। मौजूदा समय में इस प्लांट में मारुति सुजुकी डिजायर, वैगनार, मारुति एस्प्रेसो, मारुति सुजुकी सियाज और मारुति सुजुकी अर्टिगा का उत्पादन किया जा रहा है। उत्पादन शुरू करने को लेकर कंपनी का कहना है कि उत्पादन के दौरान सभी की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि उत्पादन फैसिलिटी के लिए कंपनी ने कुछ सुरक्षा निर्देश दिए हैं और साथ ही सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का भी पालन किया जाएगा। इसके साथ ही मारुति सुजुकी ने देश के ग्रीन व ऑरेंज जोन में अपने डीलरशिप खोलने शुरू कर दिए हैं। पूरे देश के 1960 शहरों में मारुति सुजुकी के 3080 डीलरशिप मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल कंपनी ने ग्रीन व ऑरेंज जोन में सिर्फ 600 डीलरशिप खोलने की बात कही है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ऑटो जगत से जुड़ी और भी ताज़ा जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बने रहें ड्राइव स्पार्क हिंदी के साथ।